नगर पालिका चुनाव के तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की, जिसे एक बार फिर भूमिपुत्रों की याद आ गई है। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता बालानंद गावकर ने रेलवे महाव्यवस्थापक से मुलाकात कर भूमिपुत्रों को रेलवे में नौकरी देने की मांग की थी। और अब सुनील राणे, संदीप राणे, जो कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के मजदूर इकाई के नेता हैं, उन्होंने मांग की है कि भूमिपुत्रों को सरकारी नौकरियों में तरजीह दी जाए। मैं आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका यह है कि यहाँ के जो कामगार वर्ग है, जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, आज उनका रोजी रोटी है। आज महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को सूचित करना चाहिए कि इधर ये परिस्थिति है, लेकिन ये न करते हुए इनका खाली बस घोषणा करने का, बंद करने का, लॉकडाउन करने का, लेकिन उसके ऊपर बाकी आगे क्या अपन करने वाले, उसका क्या प्लानिंग है, वो किसी के पास प्लानिंग नहीं होने के कारण महाराष्ट्र सरकार, मुझे लगता है कि एक बैकफुट पे जा रही है। बैकफुट के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ कि किसी को पड़ी नहीं है। आज महाराष्ट्र सरकार ने कोई भी प्लानिंग इनके पास नहीं है। वैक्सीन का आप देखो, वैक्सीन की तकलीफ चालू है। वैक्सीन लेने के अपने ट्रेन में उसको जाने को नहीं मिल रहा है, सफ़र करने को मिल रहा है। लोगों का नौकरियाँ जा रही है। आज आप विचार करो, इलेक्ट्रिक बिल तो भरना ही पड़ेगा आपको, किराना का बिल तो भरना ही पड़ेगा, दूध का पैसा भरना ही पड़ेगा, स्कूल का फीस भी भरना पड़ेगा। फिर आदमी अगर समझो काम धंधा नहीं करेगा तो खाएंगे क्या? तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार इधर कमज़ोर पड़ रही है, और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के पास अपील करना चाहिए या तो विनंती करना चाहिए कि ये इधर सिचुएशन है, आज ये सिचुएशन इधर क्रिएट हो रहा है, आदमी लोग मर रहे हैं।